बच्चों चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ स्पेशल लेके आए हैं आपके लिए। पीडीएफ नोट्स है चैप्टर 5 का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर्स रहने वाला है। पीडीएफ नोट्स आप स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। तो चलिए, तो एट फर्स्ट ये तो डिफिनीशन दिया गया है, उसके बाद ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, आफ्टर दैट आपके एक्सरसाइज 5.1, 2 एंड सो ऑन, ऐसे करके स्टेप मिलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। बात करते हैं आप एक्सरसाइज 5.1 के। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चलिए नाउ सेकंड देखते हैं। ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रहने वाला है। चलिए तो आप ध्यान देके पढ़िएगा। ये देखते हैं, फिगर भी बन गया है थर्ड क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ डीजिंग्स। चलिए आपका ये एक सेकेंड बैक पे आइए। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये देखते हैं, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट टाइम, ये देखते हैं, ये है ये क्वेश्चंस। तो इस पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये मेन इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला रहने वाला है। चलिए नाउ स्टेप अब हम देखते हैं, ये सेकेंड क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। चलिए एक भी आपके क्वेश्चन न छूटने पाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर्स रहेंगे। चलिए बच्चों आगे देखेंगे, और जो ना समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये इट्स एग्जांपल में दिया गया, ए एन प्लस वन माइनस ए एन इज सेम एवरी टाइम, बताया गया। ये आपका ये जो है ये टाइप्स का फार्मूला एक्सरसाइज 5.2 का। चलिए नाउ नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। सब कुछ सॉल्विंग आपको मिल रहा है, बेस्ट ऑफ लक। चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छी बात। चलिए आगे हम देखते हैं नाउ, ये एपी निकाला गया है, सब में वही फॉर्म जिसे देख रहे हैं। एक पार्ट है ए कमा टू ए कमा थ्री ए कमा फोर ए एंड सो ऑन, ऐसे करके इसी फार्मूलाज देख रहे हैं। डी इक्वल टू निकाल सकते हैं, ए टू माइनस सेवन आपको हम लगभग पूरा पूरा कंप्लीटली बोर्ड भी बताया जा चुका है। चलिए नाउ क्वेश्चन ये है, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप एक भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। चलिए नाउ अब स्टार्ट हो गया एक्सरसाइज 5.2। अभी तो आप पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.1, 5.2 में बात करेंगे दोस्तों कि इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। nth टर्म ऑफ एन एपी, अभी तो जस्ट n टर्म हम निकाल रहे थे, बट इस कंडीशंस में nth टर्म ऑफ एपी हम निकालेंगे। उसका फार्मूला रहने वाला है, निकालेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके हम फार्मूला निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका एक्सरसाइज 5.2 में ये क्वेश्चन इट्स मीन्स फार्मूला रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब ये एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट हो चुका है। चलिए इसी कंडीशन बताए थे ना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी के तहत आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये तो आपका फार्मूला रहेगा। स्टेप बाय स्टेप आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। चलिए नाउ थर्ड क्वेश्चन आप देख लेते हैं। चलिए ये इक्वेशंस बाय टाइप का ये समझाया गया है क्वेश्चंस, जैसे ना हम पढ़ते थे बहुत 8th 9th में इक्वेशन टाइप्स के पढ़े हैं। चलिए आगे फिर हम देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेते चलेंगे, एक भी आपके क्वेश्चंस छूटने ना पाए, क्योंकि आपके जो चैप्टर 5 रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। चलिए आगे हम देखेंगे, अब ये जैसे 17th टर्म्स में बताया गया है सेम वही फार्मूला, ए 17 में निकाला गया है ए प्लस 16 उसी के कंडीशंस भी है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी के तहत। चलिए नाउ आगे देखते हैं, अब आपका लगभग ये देखते हैं 13 क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। ये हर बार इसी टाइप्स के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो ऐसे ना रहे क्वेश्चंस, बट इसी स्टेप में पैटर्न आपका सेम रहेगा, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए आगे अब हम देखते हैं ये क्वेश्चंस रिक्वायर्ड, जैसे एपी को अब हम निकाल रहे हैं, फिर आगे आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसे वेरीफाइड कर देते हैं, हैंस प्रूफ भी जिसे कहा जाता है। फिर हम आगे स्टेप बाय स्टेप आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। इलिमिनेशन मेथड, अभी जस्ट आपको इलिमिनेट पढ़ाया गया है, आप चैप्टर 3 में जाएंगे तो आपको इलिमिनेट का एक वीडियो मिल जाएगा, उस लेक्चर्स में आपको इलिमिनेशन मेथड अच्छे से समझाया गया है, तो आप उसे देख सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं। ओके आगे देखेंगे नाउ, ये द एंड देखते हैं, द एंड हो चुका था ये, इट्स मीन्स है कि एक्सरसाइज 5.2 का अंत हुआ। चलिए नाउ हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.3
ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट, सबसे पहले आप कहीं भी जाते हैं बच्चों तो आपका इंट्रो लिया जाता है, इंट्रोडक्शन। ओके, तो वही समझिए, कोई भी लेक्चर स्टार्ट होता है तो इंट्रोडक्शन पार्ट भी उसका आता है। तो सेकंड वाले में आप पढ़ रहे थे यानी टर्न, बस इसमें पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी। कुछ सम ऑफ है तो इसका फार्मूला भी कुछ हो जाएगा, कुछ तो डिफरेंस है जो सम लगा हुआ है। एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म को ए से इंडिकेट करते हैं, वी नो दैट, एंड लास्ट टर्म को ए से कहिए या फिर ए एन से कहिए, बात आपकी सेम होगी। ओके, चलिए नाउ अगर ए और डी एन सबकी वैल्यू फाइंड है तो दो निकाल सकते हैं इस कंडीशन में, व्हेन गिवन टू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ये देखें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म क्वेश्चन में दे रहता है, तो ये एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल लगाते हैं, बट व्हेन गिवन टू ए डी, डी कॉमन डिफरेंस है एन एफ टर्म, तो एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्वेश्चन आप कराएगा। नाउ हम यही फाइंड कर लेते हैं, यही क्वेश्चन हम फाइंड करते हैं कि यस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर कोई पूछ लेता है कि हैंस प्रूफ करके दिखाओ बच्चों, तो आप जरूर दिखा दीजिएगा, भूलना मत। ओके, चलिए ना अब ये देख रहे हैं सब कुछ लेक्चर मिल चुका आपको, वेरीफाई करके बता भी दिया गया। अब इसे साइज 5.3 के क्वेश्चन के बारे में पुटअप करते हैं, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आगे हम देखेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन दिए गए हैं। और ये से एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये यूनिट टर्म है ए पी, बहुत ही ईजी, बहुत ही आपका ईजी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी, समझिए, समझ रहे हैं। चलिए और जो भी क्वेश्चंस तब भी ना आए तब भी आप पूछ सकते हैं। ओके, नाउ अब हम आगे देखेंगे, इतना क्वेश्चंस हो गया, अब थर्ड पार्ट भी देख सकते हैं। ओके, फाइव, ऐसे स्टेप बाय स्टेप, कहने का मतलब सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेगा। ओके, तो इसमें भी यही किया गया है, देख रहे हैं गिवन ए एन इक्वल टू फोर डी इक्वल टू टू, यही स्टेप बाय स्टेप इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। नाउ आगे हम देख लेते हैं, मिडिल टर्म भी आपको, मिडिल टर्म जानते हैं, मिडिल टर्म वीडियो के लेक्चर में जाएंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो खंडन किया जाता है, डिवाइड किया जाता है मिडिल टर्म, यानी कि बीच वाले का, ए इंटू सी, ए इंटू बी, सॉरी ए इंटू सी इक्वल टू बी के अकॉर्डिंग। तो आगे का हम प्रोसेस फिर ऐसे देख लेते हैं, ये देख रहे हैं जैसे एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल के अकॉर्डिंग, क्योंकि एल की वैल्यू दी गई है, ए एन भी कहते हैं इसे इंडिकेट करते हैं, एंड ए सम दिया गया है, एंड ए की वैल्यू फाइंड करके हम निकाल लेते हैं। चलिए फिर नाउ हम नेक्स्ट वाला लेक्चर देख लेते हैं, आपके मिडिल टर्म में, इसमें भी ये देखें टर्म किया गया है बीच वाला, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ओके, ए एन बाई टू ए प्लस एल के अकॉर्डिंग भी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, देखते हैं एक्सरसाइज 5.4 कब स्टार्ट होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए इसी का इंतजार था, क्वेश्चन नंबर 10 का। सो दैट ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन फॉर्म एन ए पी, एक ए पी है मान लीजिए कि वेयर ए एन इज डिफाइंड एज, ए एन डिफाइन करता है ए एन इक्वल टू 3 प्लस 4 एन, एक बार हम ए एन की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन रखेंगे, फिर ए सेकेंड है ए एन इक्वल टू 9 माइनस 5 एन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, इस पैटर्न में क्वेश्चंस जरूर पुटअप किए जाते हैं, और ख़ास करके हम आपको लास्ट मतलब कि एग्जाम टाइम में हम आपको अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व करवाएंगे जो कि क्वेश्चंस में पुटअप किए जाते हैं। चलिए ये देख रहे हैं ए वन इक्वल टू हम 1 रख रहे हैं, फिर 2 ऐसे से ए पी बना लेते हैं, डी की वैल्यू निकाल करके पूरा सम हम फाइंड कर लेते हैं। ओके, आपको लेक्चर्स में जाएंगे तो बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा, सेकंड भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस ही वही है, तो समझिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपके लगी हुई है कतारें, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 11th भी रहेगा, इसके साथ ले लेते हैं। आगे हम देखते हैं ये क्वेश्चन वही ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर इवन नंबर आपको पता है, ऑड विषम होता है एंड इवन सम होता है, जैसे 1 2 3 इसमें निकालना हुआ तो आपका 2 4 ये सब आपका इवन होगा, 1 3 5 ये सब ऑड नंबर होंगे। ओके, चलिए आप स्क्रीनशॉट लेते चल रहे हैं ना, 15th भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम बताए थे ये चैप्टर सी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, नाउ अच्छे से फिगर भी बना हुआ है, फिगर भी आप इंडिकेट करते चलेंगे फिगर पर भी। ओके, तो ये बीच बीच में पाई है। ओके, पाई की वैल्यू 22/7 होता है।
ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये क्वेश्चन नंबर 19 पर जरूर आप ध्यान दीजिए कि एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व किए हैं। तो आगे देखते हैं, ये आपका एक प्रकार से ये देख रहे हैं क्वेश्चंस के फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको फिगर भी बनाया गया है। ये कॉम्पिटिटर है, ओके, कितना अच्छा भाग रहा है ना, दौड़ करके दिखाते हैं, ओके। चलिए तो फिर आगे नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब तो आपका हुआ है, एक सेकेंड बैकअप चलते हैं, ये यहाँ पे द एंड हुआ, ओके। अब नाउ एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल होता है, कोई भी चीज़ होती है एट फर्स्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग होती है और लास्ट में ऑप्शनल से, ओके। तो ये ऑप्शनल टाइप्स के क्वेश्चंस रहेंगे, बट आपको सॉल्विंग जरूर करना है। फर्स्ट में ए एन इज लेस देन 0, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। चलिए नाउ हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, ये चलिए, ओके। यहाँ तक इसमें किसी किसी में देख रहे हैं एक भी वैल्यू नहीं आती, इस क्वेश्चंस के ऐसे हैं, ऐसे मान लेते हैं एक जवाब भी बन गया है इसमें। चाहे देख रहे हैं डी की वैल्यू भी डबल आ रही है, प्लस माइनस में 1/2 देख रहे हैं, 1/2 माइनस 1/2, फिर ए की वैल्यू भी एक 1 आती है, ये देख रहे हैं 1, एंड ए की वैल्यू 5। अब फिर सम भी निकालते हैं इसका, तो तब भी आपके एक 76 आ रहा है और एक 20 आ रहा है, ओके। तो ये क्वेश्चंस आपके सेकंड वाले में है। चलिए नाउ हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट आप बकायदे लेते चल रहे हैं अच्छे से। चलिए ये हाइट एंड स्टैंड यानी एक प्रकार के आपके लैडर है जिसे सीढ़ियाँ बोलते हैं, ओके। तो ये एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही बार ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके यही ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं लैडर टाइप्स के, ओके। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। आगे चल के हम हाइट एंड डिस्टेंस आपको कवर करवाएंगे, उसमें ट्राइंगल्स वगैरह में रहेगा, बट अभी तो ये देखते चल रहे हैं, ओके। चलिए नाउ अभी मेरे स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, ये आपके इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। यस एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स 49 माइनस ऐसे एक्स, तो थोड़ी सी माइंड लगाने की चीज़ है इस, बस इसी स्टेप में, ये जहाँ पे राउंडिंग करा है सर्कल टाइप्स में, इसी में थोड़ा सा आप माइंड लगा लेंगे, उसके बाद कर देना, समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी होता है, तो आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। चलिए ना हम आगे की बात करेंगे, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू हम निकाल लिए हैं वी वन वी वी टू करके, चलिए स्क्रीनशॉट लेते चल रहे हैं। और एक फार्मूला भी आप ये ध्यान दीजिएगा कि फार्मूला होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा आपके, क्योंकि बार बार इंपॉर्टेंट इसलिए बताया जा रहा है, हम भी चाहते हैं आप भी टॉप करें। तो वॉल्यूम आपके क्योंकि बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड में कहाँ से क्वेश्चन पुटअप के लिए जाए, एग्जामिनर के माइंड कहाँ से घूम जाए, कोई गफा नहीं है। तो आपके वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लंबाई यानी एल बी एच लेंथ, उसके बाद ये होता है ब्रेथ एंड हाइट, लंबाई चौड़ाई एंड ऊंचाई, ओके। चलिए ना स्टेप सेकंड हम देखते हैं, फिर ये स्क्रीन शॉट लेते चल रहे हैं। बताया भी गया ना अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूला वही है, फार्मूला ये आप किस में पढ़े थे 5.2 में, 5.3 में। चलिए ये 750 मीटर क्यूब इसलिए बताया गया है, मीटर की वैल्यू सभी में है, वी वन वी टू वी थ्री सब कुछ mm में है, m इंटू एम इक्वल टू m क्यूब, ओके। चलिए नाउ फर्स्ट एंड लास्ट लेक्चर आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ये देख रहे हैं एक टाइप्स की इतना बढ़िया ये बताया गया है, ये टोटल बैलेंस ऑफ टेरेस टाइप्स का एक बनाया गया है। तो यहीं पे आपका लेक्चर्स द एंड होता है, तो ये पीडीएफ नोट्स टाइप रहेगा, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन 5 से ले पूरे 5 के सारे सारे टॉपिक्स आपको मिल गए हैं। चलिए तब तक अच्छे से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।